आए गए उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिम बड़ा करने का। तो गाइस अभी क्योंकि चुरुंडा के इस क्षेत्र में हूँ, यहाँ बगल में ही नगर पालिका के ऑफिस है और ये पंचायत जाने वाली रास्ता है गाइस। तो अभी आए हैं, ये लाइन लग रहा है यहाँ पर आपके हॉस्पिटल है गाइस। और भाई तो थोड़ा सा एक जो बड़े भाई मझले भाई वो दुकान लगा रहे थे और लगाने से पहले यहाँ पर एक साड़ जो खुला साड़ था गाइस, बीच बीच में वो थोड़ा सा उसके हैंग हो जाती है दिमाग, तो जिसकी वजह से वो अटैक करते हैं। तो आज दुर्भाग्यवश मेरे भाई के ऊपर में हमला कर दिया, जिसकी वजह से पैर में चोट लग गई है गाइस। और ज़बरदस्त चोट लगने की वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे, तो अभी डॉक्टर के पास बजे बैठेंगे, तो जिसकी वजह से अभी आए हैं पेन किलर दवा लेने के लिए, तो ले लिए है गाइस। और उसके बाद गैस का दवा दे देंगे थोड़ा आराम के लिए, उसके बाद डॉक्टर देखते हैं कौन अच्छा डॉक्टर को दिखाते हैं गाइस। तो बने रहे वीडियो में, तो आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस ज़बरदस्त गर्म है गाइस, और सुबह का टाइम है 8:30 बज रही है, और गर्म को देखते हुए यहाँ पर देखिए आम का जो पन्ना है वो बन रही है, उसको पी लेते हैं, थोड़ा से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगी गाइस। और काफ़ी फ़ायदा होती है ये आम का पन्ना गाइस, काफ़ी फेमस है पूरा हिंदुस्तान में गाइस, खासकर बंगाल यूपी बिहार और काफ़ी क्षेत्र में ये आम का पन्ना पी जाती है गाइस। तो गर्मी लू से बचने के लिए ये आम का पन्ना जो उबाल के या उसको आग में सेक कर बनाई जाती है, और साथ ही साथ अगर सत्तू का शरबत पियेंगे भी तो वो भी बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं गाइस। तो सुबह सुबह अभी सत्तू का शरबत तो पी लिए है, आम का शरबत देखे तो पीने का मन किया तो वो पी रहे हैं गाइस। आपका ये दुकान बहुत पुराना है ना? कितना साल पुराना? तीन साल। ये खास जो पन्ना और सत्तू का शरबत ये गर्मी में बिक्री करते हैं। चलिए ठीक है। और ये चिरकुंडा का ये कौन एरिया है? ये तीन नंबर चढ़ाई बोलते हैं इसको ना। और फेमस जो है यहाँ पर लायंस क्लब जो है आपका, लायंस क्लब जो बोलते हैं आई का जो हॉस्पिटल है ना आँख के लिए। और इसके बाद ये जो रास्ता जाती है ये लॉयला स्कूल, कुमारू भी अटैच है। और नगर पंचायत का तो ऑफिस बताया। ये देखिए गाइस, ये जो आप पानी टंकी देख रहे हैं इसके नीचे ही ये नगर पालिका का जो चिरकुंडा नगर पालिका का ऑफिस है गाइस। तो काफ़ी ये जगह जो है और काफ़ी फेमस है। ये रूट देखिए, ये चिरकुंडा को मिलती है और ये पंचायत डैम, और ये देखिए ये कुमारडू भी मिलती है और टारडंगा और लॉयला स्कूल जो यहाँ पर काफ़ी नामी है गाइस। बन गए ठीक, थैंक यू। तो काफ़ी लोग भी जब यहाँ से गुजरते हैं लोग तो आम का शरबत और सत्तू का शरबत खासकर इनके दुकान में पीते हैं गाइस। और काफ़ी गर्म है गाइस, और मार्च महीना का ये अप्रैल का जो महीना है अभी देखिए अप्रैल में इतनी गर्म है, तो अभी मई जून बाकी है, तो उसको देखते हुए लोग अपने बचाव के लिए आम का पन्ना और सत्तू का शरबत पीते हैं गाइस। और ख़ासकर गन्ना का शरबत भी काफ़ी फेमस होती है गर्म से लू से बचने के लिए, तो अपने हिसाब से पसंद से लोग पीते हैं। तो इनके पास अभी सत्तू का शरबत और आम का पन्ना है ना, चलिए और मौसम्बी का जूस। तो इनके पास 10 रुपये से ग्लास मिल जाती है, छोटी ग्लास 10 और बड़ी 20 रुपये में आम का पन्ना, और सत्तू का शरबत भी 10 और 20 में मिलती है। और मौसम्बी वाले कितने? 40 रुपये मिनिमम जो है छोटा ग्लास। अच्छा, ये छोटा जो ग्लास है। रख दो ना, ठीक ऊपर ही रख दिया ना, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये भैया जो है भतीजा जो है इसी जगह पर मछली का दुकान लगाते हैं गाइस। आज सुबह का टाइम में जो सांड जो है ये देख रहे हैं, जो गाड़ी लगी हुई है इसी जगह पर हमला किए थे गाइस। और किस्मत देखिए बहुत बड़ा किस्मत है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, नहीं तो बहुत बड़ा मतलब दुर्घटना हो सकता था गाइस। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये जगह पर जो बिक्री कर रहे हैं, तो भतीजा और भैया यहीं पर दुकान लगाते हैं। तो सब जितना भी मछली लाया था सब यहाँ पर दे दिए है, और फिलहाल जो भैया है वो अभी रेस्ट कर रहे हैं गाइस, अभी घर पर है। सब लोग उठाकर उसको ले गए थे, थोड़ा से वो डर गए थे गाइस, ज़बरदस्त वो अटैक किए थे अचानक सामने में आके, तो जिसकी वजह से वो डर गए थे गाइस। तो ऊपर वाला का कर्म से है कि बहुत बाल बाल बचे हैं गाइस। तो बड़ा भैया जो है वो फल का दुकान इसी जगह लगाते हैं, देखिए वो भैया है दुकान लगाए हुए है।
और भतीजा देखिए यहाँ पर है। ए महाजन लोग सब ठीक है ना भैया? हाय हेलो कर दो। तो भैया अभी थोड़ा बिजी है, अभी फल का थोड़ा कस्टमर को देते हुए गाइस। और खासकर देखिए डाब, देखिए यहाँ पर जबरदस्त डिमांड है, गर्मी में डाब बहुत पीते हैं। तो गर्मी में सबसे तो आम का पत्ता, तरबूज, डाब, यही सब का डिमांड है ना, और गन्ना का जूस। तो गाइस इस जगह पर देखिए पूरे सब्जी के जो है मंडी लगती है, ये खासकर रिटेल दुकान है गाइस। और भतीजा देखिए अभी बेंगलोर से आया हुआ है और अपने जो अब्बा जान को हेल्प कर रहे हैं, है ना। गर्मी में काफ़ी थक जाते हैं ना बड़का भैया। तो अभी सीजी भैया का चोट ज़्यादा नहीं लगा, अभी ऊपर वाला क्रम है। हाँ बच गया ना बहुत, साढ़ बड़ा पागल भैया को, मेरे भैया को, अरे मेरे भैया का अटैक कर दिया। हाँ मेरा मजला भाई को अभी देखिए घर में रेस्ट कर रहा है, अभी डॉक्टर के पास ले जाना है। तो सब मिलकर रिपोर्ट करेगा तब ना, गाय का थोड़ा सा ट्रीटमेंट होगा, उसका माइंड माइंड थोड़ा सा लगा हैंग हो गया ना कोई सड़वा का। उस परसों भी देख रहा था पूरा ऐसे से हिल रहा था। हाँ तो भैया थोड़ा सा हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं चिरगुंडा प्रशासन से और यहाँ का जो भी है, कि जो ये साढ़ है किसी भी महिला बच्चा या किसी को पर अटैक करके कुछ अनहोनी ना हो जाए। देखिए अभी जो है ऐसा अनहोनी हुआ है कि खुदा ऊपर वाला का बने, ये तो बहुत बड़ा कर्म था कि भैया को कुछ हुआ नहीं। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो खुला साढ़ है जो जो लोगों के जान पर आफत आ जाए तो ऐसे बचाने के लिए थोड़ा उपाय करना चाहिए भाई। तो दिखाएंगे अभी दिख नहीं रहा साढ़ साहब। भैया पेन किलर और गैस वाला दवा देते चीज़ में को आ रहे ना बाय। कहाँ वो साड़ा नहीं है, वो बड़ा बचड़ा है। तो गाइस देखिए यहाँ का लोकल मार्केट सब्जी की लगती है गाइस चिरगुंडा में। ये काफ़ी फ्रेश जो सब्जी जो है यहाँ खेत से सब तोड़कर यहाँ लगाते हैं सुबह के टाइम। तो काफ़ी लोग जो है बंगाल से भी आते हैं यहाँ पर फ्रेश सब्जी खरीदने के लिए गाइस। तो जितने भी देख रहे ये छोटे छोटे किसान जो है अपने जगह से फ्रेश सब्जी लाकर बिक्री करते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी लेडीज लोग भी यहाँ पर सेल करते हुए गाइस। बनाओ कि कुछ हुआ नहीं यहाँ। हाँ देख सकते हैं एकदम गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दही, तो दही खा ले गाइस थोड़ा से पेट के लिए। वो भाई को अटैक किया वो साढ़, गुलाब जामुन एक दही दे दो, दही दही लाल लाल टमाटर আমার লাল পচম লাল দই দিদা লাল দই মিষ্টি দই লাল দই লাল এই আমার মিষ্টি দই আরে লেটো খাদা বল তো মোটা লাগছে নাকি মা। তো গাইস দেখ সকতে হ্যায় ভাইয়া থোড়া সে পেন কিলার আর গ্যাস কা দাবা আ রহে और अभी दर्द से थोड़ा से करहा रहे हैं, कहें कि चोट थोड़ा अंदरूनी है पैर में और पैर का जो चोट है तो जिसके वजह से वो हड्डी का चोट जो होता है गाइस ज़बरदस्त होती है और नस चढ़ा हुआ है और जो ये जो एड़ी है उसमें चोट है गाइस। आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। देखे वो लोग मछली सब बिक्री कर रहा था लोग। हाँ कुमार डॉक्टर को दिखाया समझा ना, वो आस्था में गया है और संध्या मेडिकल में आप देखो कौन सा डॉक्टर का पास नाम दिखाता है, सरप्राज गया। ठीक है आराम कर। तो गाइस मार्केट में देखिए आम आ चुकी है, तो सबसे पहले जो आम आती है गाइस वो है तोतापुरी, तोतापुरी ना बैगन, अच्छा बैगन पुली और गुलाब खास। तो मार्केट में जो आम का सीजन जब स्टार्ट होती है गाइस तो अप्रैल का मंथ चल रही है, तो सबसे पहले जो है गुलाब खास और बैगन फुली ये आम आती है। तो अभी भैया के दुकान में तो नहीं है, तो देखते हैं अभी चिरगुंडा के मार्केट में मुझे आम दिख रही है, देखिए सामने में लगा हुआ है तो दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस देखिए ये भैया का दुकान है और ठीक सामने में इनका देखिए एक दुकान लगाया है ठेला में, ये है गुलाब खास, ये गुलाब खास है ना। तो ये गुलाब खास जो है ये सीजन का जो स्टार्ट होती है आम का, तो गुलाब खास और बैगन फुली बोलते हैं ना, तो ये गाइस देखिए बैगन फुली है। तो ये दो दो आम जो है सबसे पहले मार्केट में आती है, तो सीजन का पहला जो आम का जो जो फल है वो गुलाब खास और बैगन फुली। तो अभी क्या रेट चल रही है ये बैगन फुली, ये गुलाब खास 140 पर केजी और वो 100 रुपया बैगन फुली बोलते हैं ना। तो
तो दोनों में सबसे स्वाद जो है ये होती है गुलाब रस, इसमें थोड़ा शरबत भी बनती है। तो गाइस देखिए आम रस के लिए या शरबत आम का जो मैंगो जूस बनती है और आम रस के लिए फेमस है गुलाब रस, 140 रुपये पर केजी। और बैगन फूली है जो 100 रुपया, ये नॉर्मल खाने के लिए ना। तो भैया के दुकान में नहीं थे तो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से ये दिखाया कि ये भैया के पास से आए थे तो दिखा दिया गाइस। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आते हैं? कुमाडू से आते हैं। चलिए ठीक, हमेशा आते हैं चौकंडा बाजार में ना। चलिए ठीक, वो भैया हुआ है मेरा जो बिक्री करता है। चलिए ठीक ठीक, भैया का तो तबीयत अभी ठीक है, नॉर्मल है। अब डॉक्टर दोपहर के बाद बैठेंगे तो वहाँ नाम लिखा दिया गया है आस्था हॉस्पिटल में, कुमार डॉक्टर जो नामी है हड्डी का डॉक्टर गाइस। तो भतीजा जो मछली लाए थे तो अभी दुकान लगाए हैं, देखिए ये दुकान में मछली बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, मछली बिक्री कर रहा भैया, तुमको खोज रहा। बिक्री करो अच्छा से ना, पहले गाय का वीडियो बनाएंगे, गाय का वीडियो करो। देखते हैं सांड कहाँ, सांड को खोज रहे हम लोग। हाँ नहीं, किसी को और कोई घटना ना घटे, कहे के बच्चा लेडीज बहुत तरह के बच्चे लोग फैमिली लोग जाते हैं ना, अटैक करता है इसे, इसे पहले भी अटैक किया था। किलो का चावल नहीं, हम लोग को जाता हूँ मैं नहीं चाची। हाँ हाँ हाँ, तो गाइस देखिए ये चिरकुंडा मार्केट है और चिरकुंडा मार्केट में ये तरबूज जो है बिक्री करते हुए गाइस देखिए ये चाची है, ये बता रहे कि ये ब्रिटिश जमाना को भी देखे है और ब्रिटिश जमाना से वो चार आना किलो का चावल खाए, चार शेर मैंने एक रुपये में चार किलो चावल मिलती थी। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो गाइस मैं उमर पूछ रहा, तो उमर नहीं बता रहे लेकिन बता रहे कि एक रुपये में चार किलो जब चावल मिलती थी तब से वो बता रहे कि ये दुकान यहाँ पर, तब से आप दुकान में यहाँ बैठ रहे तो तरबूज बिक्री करते हुए गाइस। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने चाहा कि देखिए इस उम्र में भी दुकान चला रहे, तो मेरा दिली ख्वाहिश हुई कि इनका थोड़ा सा इंटरव्यू ले ले। तो आपका क्या नाम हो चाची? मुन्नी नाम है। आप यहीं चिरकुंडा में रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये दुकान जो है सुबह से खोल देते हैं? हाँ, भोरे। रात को कितना बजे तक खोलते हैं? 8 बजे तक। और वो जो बैठे हुए थे वो कौन, लड़का था क्या? पोता है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, तो पोता थोड़ा हेल्प करता है आपका? हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, तो वो पढ़ाई भी करता है ना? छोड़ा कर दिया। और आपका लड़का लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो अलग रहते हैं क्या, साथ में रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चाची, आप इतना बताए बहुत है। तो अभी तरबूज कितना रुपया किलो जा रहा है चाची? 30 रुपया किलो बिक्री हो रही है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं सही सही। तो गाइस देखिए अगर चिरकुंडा मार्केट में आए तो ज़रूर ये चाची से आप तरबूज लीजिए। देखिए तरबूज जो साइज़ देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ है और देखिए ये एकदम फ्रेश तरबूज बिक्री करते हैं गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ लेते हुए गाइस, इस उम्र में दुकान चला रही है, काफ़ी तारीफ काबिल की बात है गाइस, इस उम्र में अपने घर परिवार चला रहे गाइस। ठीक है चाची, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। ठीक ठीक, तो यहाँ पर सब्जी मार्केट और फल मार्केट चिरकुंडा में काफ़ी रोड के बगल में लगती है गाइस, और काफ़ी लोग यहाँ पर लेने के लिए बंगाल से भी आते हैं गाइस। अभी बहुत सब महिलाएं जो है मछली बिक्री करने के लिए देखिए दूर से आते हैं। कोथा थे क्या आसन आपने, कोथा थे आसन? डालडांगा। माछ बिक्री हो भलो? এখন মঙ্গলবার আছে সেজন্য এমনি তো বিক্রি হয় লোক। হ্যাঁ, তো গাইজ মঙ্গলবার হ্যাঁ থাড়া মছলি কম বিক্রি হো রই হ্যাঁ, তো আপ দেখ সকতে হ্যাঁ পর অর ভী লেডিজ জো হ্যাঁ মছলি বিক্রি কর রহে গাইজ। দেখি ভিডিও বন রহা হ্যাঁ, ব্লগ ভিডিও ইউটিউব মে জায়েগা। তো দেখি মেরে ভতিজা হ্যাঁ উধার, ভাইয়া কা চোট লাগা, সব ঠিক আছে? ঠিক ঠিক। তো ইয়ে দেখি মছলি মার্কেট ইয়ে সাইড আর ও সাইড, দোনো সাইড লাগতি হ্যাঁ, আর উসকে আলাওয়া ইয়া সবজি কা পুরা মার্কেট হি হ্যাঁ গাইজ। तो भैया अभी ऊपर वाला का कर्म से आप लोगों का बहुत प्यार मोहब्बत से, अभी कुछ ऐसा बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डॉक्टर दिखाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे गाइस। तो भतीजा भी है कल्ले बिक्री कर रहे हैं, और तनवीर एक भतीजा है वो रांची गए हुए ससुराल, आ जाएंगे तो वो भी दुकान लगाएंगे गाइस। ठीक आ रहे भेजो, ठीक है बड़का भैया। अरे ठीक है गाइस, मैं अपना ब्लॉग
अब यही समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियो आ जाएगी और मेरे जो भी अच्छी वीडियो है वो आप देख सकेंगे गाइस। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह अपना सपोर्ट और लव देते रहिए गाइस। फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार देते रहिए गाइस। बाय बाय गाइस।